नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं मोहम्मद शमशाद हाजिर हूं दरभंगा की दिनभर की अहम खबरों को लेकर। सबसे पहले हेडलाइन। वार्डो जहां बोरिंग गड़ाने एवं पाइप बिछाने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां एक सप्ते के अंदर कार्य प्रारंभ कराई जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं नल जल योजना की नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। सभी प्रखंडों के बड़े प्रभारी पदाधिकारी को भी अपने आवंटित प्रखंड में नल जल योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित सरकार के 7 निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। धार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा प्राथमिकी कृषि साख समितियों पैक्स 2019 का निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। दरभंगा जिला में 5 चरणों में पैक्स 2019 का निर्वाचन हेतु मतदान कराए जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान दिनांक 9/12/2019 सोमवार को होगी। मतगणना दिनांक 10/12/2019 मंगलवार को संपन्न होगी। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा पैक्स 2019 का निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां ससमय पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पैक्स 2019 निर्वाचन अन्य निर्वाचनों की तरह ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन की तैयारी हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन कर दिया गया है, जो अपने अपने आवंटित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कहा कि पैक्स चुनाव में जिला सहकारिता पदाधिकारी का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें पूरी गंभीरता से पैक्स का निर्वाचन संपन्न कराना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरती जाएगी तो कड़ी कार्रवाई करने की बाधित होगी। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में पैक्स 2019 का निर्वाचन की तैयारी हेतु आयोजित कोषांगों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। आज दिनांक 11/11/2019 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ वार्ता हुई। वार्ता में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई, उपयुक्त बिंदुओं पर सहमति बनी तथा दीक्षांत समारोह में ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संघ ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की। लहरियासराय स्थित सैदनगर में युवराज हीरो इलेक्ट्रिक शोरूम में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कई मॉडल में उपलब्ध है। हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में बैटरी से चलने वाली दोपहिया वाहन से आप 10 रुपये में 80 किलोमीटर की सवारी कर सकते हैं। इसमें साल में 36,000 से भी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे खास बात यह है कि एक बार चार्ज करने पर यह 80 किलोमीटर चलती है। शोरूम के प्रोपराइटर प्रकाश सिंह कहते हैं कि आने वाले दिनों में हीरो इलेक्ट्रिक की धूम होगी। पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ सरकार का भी झुकाव है। उन्होंने ग्राहक से पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने, 50 किलोमीटर के दायरे पेमेंट लाने, माल पहुंचाने के कार्य के लिए हीरो इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे उपयुक्त बेहतर है। अगर आप यह वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।